लटकती चुड़ैल। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा हो रहा था। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। रात के समय जंगली भेड़िया के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी एक घर से एक सुष्मिता नाम की औरत अपनी 10 साल की बेटी अंजू से कहती है, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो जंगल से लटकती चुड़ैल हमारे घर ही आ जाएगी और हम सभी को खा जाएगी। माँ, ये पेड़ पर लटकती हुई चुड़ैल गांव वालों को क्यों मार रही है? गांव वालों ने इसका क्या बिगाड़ा है? तभी खिड़की से एक भयानक चुड़ैल अंजू को दिखती है, जिसे देखकर अंजू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो अपने मुंह से कुछ नहीं कह पाती। अरे अंजू, क्या हुआ? माँ, वो चुड़ैल खिड़की पर। अरे तू ऐसे क्यों कह रही है, जैसे तूने अभी खिड़की पर चुड़ैल देखी हो। तभी अचानक से बहुत ही तेज सुष्मिता के घर का दरवाजा खुलता है, जिसके बाद दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी होती है। तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आई। मुझे याद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम दोनों को खाकर अपना पेट भर लूंगी। चुड़ैल को देखकर अंजू और सुष्मिता बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद सुष्मिता चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमसे क्यों अपना बदला ले रही हो? बदला तो मैं सबसे लूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल सुष्मिता और अंजू को खा जाती है और वापस जाकर अपने पेड़ पर लटक जाती है। ये कहानी जबलपुर के एक छोटे से गांव की है, जहां एक मोहिनी नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ कौशल्या के साथ रहती थी। मोहिनी बहुत सुंदर थी, वहीं दूसरी तरफ मोहिनी की सौतेली बहन चांदनी सुंदर तो थी, लेकिन मोहिनी से कम, जिसकी वजह से चांदनी अपनी माँ कौशल्या के साथ मिलकर मोहिनी पर बहुत अत्याचार किया करती थी। एक दिन कौशल्या मोहिनी से आकर कहती है, मोहिनी, अरे ओ मोहिनी, कहाँ मर गई तू? जल्दी से मेरे पास आ, तुझे कुछ बताना है। आई माँ, बस रसोई में थोड़ा सा काम कर रही थी। बोलो क्या बात है? तेरी छोटी बहन चांदनी को लड़के देखने वाले आ रहे हैं आज। मैं जानती हूँ कि तू चांदनी से बड़ी है, लेकिन तू जानती है ना हम तेरे से पहले चांदनी की शादी क्यों करना चाहते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ माँ, मैं मेहमानों के सामने बिल्कुल नहीं आऊंगी माँ। जा, अब जाकर मेहमानों के लिए खाना बना ले। बेचारी मोहिनी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में मेहमान आ जाते हैं। तभी कौशल्या राजीव से कहती है, अरे बेटा राजीव, तुम्हें हमारी बेटी चांदनी कैसी लगी? राजीव कुछ कह नहीं पाता कि तभी कौशल्या चांदनी को कहती है, अरे चांदनी, जरा राजीव को नाश्ता तो दो। जैसे ही चांदनी चाय का कप उठाकर राजीव को देती है, वो चाय का कप गलती से राजीव की पैंट पर गिर जाता है, जिसके बाद चांदनी कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप इसे बाथरूम में जाकर साफ कर लीजिए, बाथरूम आगे से राइट में है। राजीव वॉशरूम ढूंढता मोहिनी के पास पहुंच जाता है, जहां वो उसे किचन में खाना बनाते हुए देखता है। जैसे ही राजीव मोहिनी को देखता है, वो मोहिनी की आंखों में खो जाता है। राजीव को मोहिनी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो सबके पास आता है और सबसे कहता है, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कि तभी राजीव कहता है, लेकिन मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, जो रसोई में खाना बना रही है। राजीव की बात सुनकर सभी अचंभित रह जाते हैं। कि तभी राजीव मोहिनी को बुलाने के लिए कहता है, जिसके बाद मोहिनी सबके सामने आती है। राजीव के माता पिता भी मोहिनी को देखते ही पसंद कर लेते हैं और उसके रिश्ते के लिए कहते हैं, हम अपने बेटे के फैसले पर खुश हैं, हम आपकी बड़ी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करवाना चाहते हैं, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? कौशल्या को ना कहते हुए भी रिश्ते के लिए हामी भरनी पड़ती है। लेकिन उस दिन के बाद से चांदनी मोहिनी से बहुत जलने लगती है और एक दिन अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सब और कब तक चलेगा?
तुम्हारी सौतेली बेटी की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया है। जो मुझे पसंद करने आता है वो मोहिनी को पसंद करके चला जाता है। क्या मैं हमेशा कुंवारी ही बैठी रह जाऊंगी? नहीं बेटी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे लिए तो कोई राजकुमार आएगा। माँ, मुझे झूठे दिलासे मत दो। ये कहकर चांदनी वहां से गुस्से से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव उसी घर पर आ जाता है और कौशल्या से कहता है, माँ जी, मैं अपनी होने वाली पत्नी को कुछ समय अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। कौशल्या को ना चाहते हुए भी मोहिनी को राजीव के साथ भेजना पड़ता है। राजीव मोहिनी को एक पहाड़ पर लेकर जाता है। मोहिनी, यहीं रहो, मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ। राजीव के जाने के बाद मोहिनी वहां अपनी एक सेल्फी लेने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। वो गिरने वाली होती है कि इतने में सामने से चांदनी आकर उसे पकड़ने वाली होती है। इतने में वो पहाड़ की चोटी पर लटक जाती है। चांदनी बहन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी बहन मुझे बचाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे कुछ किए बिना ही तू यहाँ से टपक रही है। अब तो राजीव ही मुझसे शादी करेंगे। चांदनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी पहाड़ से गिरकर एक पेड़ पर लटक जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मोहिनी एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और हमेशा उसी पेड़ पर लटकती रहती है। नहीं छोड़ूंगी किसी को, नहीं छोड़ूंगी, सबसे बदला लेके रहूंगी। बहुत सताया है तुमने मुझे, लेकिन अब और नहीं, मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूंगी। चांदनी और कौशल्या जैसे ही मोहिनी की चुड़ैल को देखती है तो वो बहुत डर जाती है। चुड़ैल, ये तो मोहिनी की चुड़ैल है। हे भगवान, मोहिनी चुड़ैल कब बनी? माँ, मोहिनी चुड़ैल है, वो मर चुकी है, वो अब हमसे बदला लेने आई है। चुड़ैल दोनों की गर्दन पकड़कर उनके शरीर से उनकी गर्दन अलग कर देती है। आज मेरे दिल को शांति मिली है, इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। उस दिन के बाद से चुड़ैल गांव के पेड़ों पर लटकना शुरू कर देती है। एक दिन चुड़ैल पेड़ पर लटकती हुई कुएं के पास देख रही थी कि तभी रात के समय कुएं पर एक माँ और उसकी बेटी दिखाई देती है, जिसके बाद वो उन दोनों को मारने के लिए उनके पास जाती है। अरे वाह, आज तो मेरा शिकार खुद मेरे पास चल कर आया है। चुड़ैल उन्हें मारने के लिए जाती ही है, इतने में कुएं के पीछे से एक तांत्रिक बाबा और राजीव निकलकर बाहर आते हैं। रुक जाओ मोहिनी, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हारी वजह से बहुत बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चल जा यहाँ से, मुझे मेरा बदला पूरा करना है। चुड़ैल, तू जानती नहीं है मैं तेरा क्या हाल करूँगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। चुड़ैल, तूने एक तांत्रिक को ललकार कर अच्छा नहीं किया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तांत्रिक बाबा अपने मन में कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप जलने लगती है। तभी राजीव कहता है, मोहिनी बहुत हुआ, अब और किसी की जान मत लो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ और हम गांव वालों को शांति से जीने दो। तभी मोहिनी की आत्मा को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और वो गांव से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।